हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सुफलोम के इस मंच पर और डेली करंट अफेयर की सीरीज में। आज हम 4 अप्रैल के या सॉरी 4 मई के करंट अफेयर को देखेंगे, बट उससे पहले हम पिछला जो है रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम पिछला रिवाइज कर लेते हैं 3 मई का। तो ये रहा 3 मई का करंट अफेयर आपका। पहला प्रश्न क्या है हमारा इसमें, पहला प्रश्न है विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है। 2 मई को मनाया जाता है। हाल ही में लिपजिंग बुक्स बुक पुरस्कार 2023 किसने जीता है, मारिया स्टेपानोवा ने। भारत किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन के जलवायु कार्यवाही में शामिल होगा, 2027 से। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संयुक्त विकास के लिए NPCIL ने किसके साथ समझौता किया है, NTPC के साथ। आसियान भारत समुद्री अभ्यास 2023 कब से कब तक संपन्न होगा, 2 से 8 मई के मध्य साउथ एशिया साउथ चाइना सी में, ठीक है। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित बाफ्टा फेलोशिप किसे मिलने जा रहा है, मीरा सयाल जी को। अंडमान निकोबार कमान के 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार किसने संभाला है, अजय सिंह जी ने। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, TS शिवगणाराम को। किस IIT के शोधकर्ताओं ने कंप्यूटेशनल टूल GBM ड्राइवर को विकसित किया है, मद्रास IIT ने। हाल ही में साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहां हुई है, लक्षद्वीप में। कहां पर हाल ही में फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है, हैदराबाद में। तो आज हम आ जाते हैं 4 मई के यानी आज के करंट अफेयर को देखते हैं। तो चलिए आ जाते हैं, पहला प्रश्न क्या है हमारा 4 मई के करंट अफेयर का। पहला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, और अभी वर्ल्ड फ्रीडम जो प्रेस इंडेक्स है वो भी लॉन्च कर दिया गया 2023, उसके बारे में आगे हम देखेंगे। अभी फिलहाल यहाँ आते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, 2 मई को, 4 मई को, 3 मई को या 1 मई को। तो ये मनाया जाता है 3 मई को। 3 मई को ही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है मनाया जाता है, और मतलब प्रेस जो मीडिया है वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके इसके रूप में जागरूकता जो है फैलाया जाता है। और आप सभी जान ही रहे हैं कि हमारे देश की जो मीडिया है वो किस लेवल पे है, है ना। चलिए नेक्स्ट आइए, प्रश्न संख्या 2, विश्व अस्थमा दिवस वर्ल्ड अस्थमा डे 2023 जो है वो कब मनाया जाता है, 2 मई को, 4 मई को, 3 मई को या 1 मई को। तो जो वर्ल्ड अस्थमा डे है वो 2 मई को मनाया जाता है। कब, 2 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में 180 देशों में भारत किस स्थान पर है। तो भी मैंने बात की थी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के बारे में बात करेंगे, और 180 देशों का सर्वे इसमें हुआ है, 180 देशों को लेकर के भारत कौन से स्थान होता है, 161 या 162, 163 या 164। तो भारत जैसा आप देख पा रहे होंगे इंडेक्स 2023 यहां पर स्कोर 36 आउट ऑफ 62 स्कोर मिला है। और ये विभिन्न जो है पॉलिटिकल इंडिकेटर, इकोनॉमिक इंडिकेटर, ठीक है, लेजिस्लेटिव, सोशल सिक्योरिटी, ये सारी इंडिकेटरों में हिसाब से इसको स्कोर मिला है, और उसी आधार पर टोटल स्कोर दिखाया गया है। 2022 से हमारी क्या स्थिति थी, तो हमारी स्थिति जो थी 150वीं थी, उस समय स्कोर 41 था, और अभी हम किस स्थान पे आ गए, 161 स्थान पे आ गए। हम प्रतिदिन नीचे गिरते जा रहे हैं प्रेस लेवल पे, है ना। और जो किस पे आ गए, 161वें रैंक पे। जारी जो की गई है कब की गई, 3 मई 2023 को की गई है। संस्करण कौन सा था, 21वां संस्करण था। किसके द्वारा की गई है, तो जो फ्रांस स्थित आपका रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स आपने पढ़ा ही रखा होगा, इसके द्वारा ये किया गया। कुल कितने देश हैं, 180 देश हैं। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट आइए, CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिस्से के रूप में किस कक्षा के पाठ्यक्रम में कोडिंग, ठीक है, कोडिंग और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने का निर्णय लिया है, 6 to 8 क्लास या 5 to 10 क्लास या 10 to 12 क्लास या 9 to 12 क्लास। तो ध्यान रखिएगा, 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए जो पाठ्यक्रम में कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने का निर्णय लिया गया। विभिन्न तरह के पाठ्यक्रम इसमें शामिल किए जाएंगे इससे रिलेटेड। क्लियर सभी को, दैट इज द वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम CBSE। एक स्किल होनी चाहिए, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप जॉब के लिए बहुत ज़्यादा भटकना पड़ेगा आपको। एक स्किल होता है तो कहीं भी किसी भी कंपनी में काम आ जाती है। चलिए नेक्स्ट आइए, प्रश्न संख्या 5, हाल ही में स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है,
बताइए, कार्ल टिक्कर ने, या फिर रोनी ओसुलिवन ने, या मार्क सेल्वी ने, या लूका ब्रेसल ने? तो यहाँ पर लूका ब्रेसल जो हैं, इन्होंने ही स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। प्रश्न संख्या 6, भारत में किस देश के उच्च आयोग ने कारगिल में परियोजना के लिए सरकारी अनुदान की घोषणा की है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या रूस ने? तो यहां ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने ही, ऑस्ट्रेलिया का जो उच्चायोग है, इसने ही जो है कारगिल में परियोजना के लिए सरकारी अनुदान जो है देने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 7, भारत में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर जोड़ों को तलाक देने का अधिकार दिया है? अभी ये बोला गया है कि जब पति पत्नी राजी हैं तो फिर 6 महीने का जो डिले दिया जाता था, वो 6 महीने का डिले हटा करके सीधे जो है, लेकिन द प्रिपरेशन पीरियड शुड बी अबव 6 ईयर्स, ये सब हटा देना, हटाएगा वो, ठीक है। अटेम्प्ट मेड टू सेटल डिस्प्यूट बाई कोर्ट इंटरवेंशन या मेडिटेशन, टाइम द पार्टीज लिव टुगेदर आफ्टर मैरिज, तो ये सारी चीज़ें जो है, 6 महीने का जो पीरियड हुआ करता था कि इस 6 महीने बाद आपको देखा जाएगा, उसके बाद तलाक की व्यवस्था होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आ गया है कि 6 महीने का इंतजार नहीं करना है, अगर दोनों राजी हैं तो तुरंत जो है तलाक दे देना है। तो ये आर्टिकल 142, आर्टिकल अनुच्छेद 142 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार दिया है। प्रश्न संख्या 8 पर आ जाते हैं, समाजवादी नेता के रूप में उनके योगदान के लिए नई दिल्ली में मैन ऑफ द सेंचुरी यानी शताब्दी पुरुष की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? मुलायम सिंह, रामकिशन, सत्यपाल मलिक या अखिलेश यादव जी को? देख पा रहे होंगे 97 ईयर के हैं ये आपके, कौन, रामकिशन, इन्हीं को जो है सेंचुरी, मैन ऑफ द सेंचुरी, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा कर लीजिए, मैन ऑफ द सेंचुरी या शताब्दी पुरुष आप बोल लीजिए, शताब्दी पुरुष, ठीक है, शताब्दी पुरुष बोल लीजिए। ओके, तो यहां पे हो गया आपका 20 द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आइए, प्रश्न संख्या 9 पे आ जाते हैं, भारतीय रोजगार बाजार में अगले 5 वर्षों में रोजगार में बदलाव की दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? और ये अनुमान किसने लगाया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लगाया है। कितना? 22% रहने का अनुमान लगाया है। चलिए नेक्स्ट आइए, किस बैंक ने HDFC बैंक स्मार्ट साथी लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने, SBI ने, RBI ने या HDFC ने? तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, HDFC ने जो है बैंक स्मार्ट साथी जो है लॉन्च किया है, ये देख पा रहे हैं आप, बैंक स्मार्ट साथी। और HDFC बैंक की अगर स्थापना की बात कर लें तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, भारत में। CEO और MD कौन है? शशिधर जगदीशन जी हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आइए, प्रश्न संख्या 11, संयुक्त राष्ट्र ने प्रेस स्वतंत्रता के लिए उसका प्रमुख पुरस्कार जो है सच्चाई और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जेल में बंद किस देश की महिला पत्रकारों को प्रदान किया गया है? तो ये तीन ईरानी महिलाएं जो हैं इनको प्रदान किया गया, लेकिन फिलहाल ये अभी जेल में है, न्यायपालिका द्वारा अभी सजा सुनाया गया है कि देश के साथ जो है मतलब गलत न्यूज़ फैलाने के चक्कर में इनको भेजा गया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जो संयुक्त राष्ट्र है उसने ये कहा है कि इन्होंने जो है अपनी जो भी सरकार में गलतियां हैं उनको इन्होंने उजागर किया है, इसलिए ये जो आपका पुरस्कार है ये दिया जा रहा है, नीलोफर हमेदी और इलेह महमूदी और नरगिस महमूदी, इन तीनों लोगों को जो है, ईरानी महिला पत्रकार हैं, इनको ये सच्चाई और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता के लिए ये पुरस्कार दिया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, प्रश्न संख्या 12, रूपा प्रकाशन इंडिया द्वारा ये प्रकाशित है आपका मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है आपका, ईमेल भी देख पा रहे होंगे, अमिताभ कांत ने। किसने? अमिताभ कांत ने ये पुस्तक लिखी है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आइए, प्रश्न संख्या 13, पहली बार पुरुष एशिया कप के लिए किस देश ने क्वालिफाई किया है? तो ये एशिया कप होने वाला है जिसमें भारत ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है, वो है आपका जो अभी जैसे ग्रुप ए ग्रुप बी ये दो ग्रुप बने हैं, तो यहाँ पे आपका भारत है, ठीक है, और उसके बाद पाकिस्तान है, और उसके बाद आपका ये जो क्वालिफाई हुआ है नेपाल है, ठीक है, और इधर है आपका श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये दो ग्रुप बनाए गए हैं, तो यहाँ पर नेपाल इज द राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, एशिया कप के लिए है बात कर रहे हैं,
प्रश्न संख्या 14, हाल ही में कोरियन स्किन केयर ब्रांड है लेनीज, इसने किसे जो है भारत के लिए फर्स्ट ब्रांड फेस के रूप में साइन किया, जैसे आप जान रहे हैं कौन, राहुल जी, आथिया सेट्टी, ठीक है, आथिया सेट्टी जी को ही यहाँ पे कोरियन स्किन जो केयर ब्रांड है लेनीज, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया गया है, ब्रांड फेस बोल सकते हो आप भारत के लिए। प्रश्न संख्या 15, इंटरनेशनल अपैरल एंड टेक्सटाइल फेयर हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है, दुबई, न्यूयॉर्क, लंदन या संघाई में, तो दुबई में ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट आइए, हाल ही में आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर वन टेस्ट टीम कौन सी बन गई है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत या पाकिस्तान, तो भारत आपका T20 में भी और टेस्ट टीम में भी नंबर वन है और ODI में ये तीसरे नंबर पे है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आइए, सो यहाँ पे हमारा जो है आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। कोई भी इन्फॉर्मेशन, मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी इन्फॉर्मेशन रह जाती है या छूट जाती है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, टेक केयर, बाय बाय।